नमस्कार, सर्दियां शुरू हो रही हैं और सर्दियों की शुरुआत के साथ ही सभी गार्डन लवर्स को जो सबसे ज्यादा कंसर्न होता है वो होता है सर्दियों में पौधों को कैसे बचाएं। कई कमेंट्स आ रहे हैं तो आज उन सभी का सोल्यूशन इस एक वीडियो में। आज हम डिस्कस करेंगे सर्दियों में पौधों के साथ क्या करें नंबर वन, क्या ना करें नंबर टू, और अलग अलग किस्म के पौधों को जनरलाइज वे में हम किस तरीके से संभालें कि वो सर्दियों में बहुत अच्छे से बने रहें। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के आखिर तक। मैं हूं अंजना, वेलकम टू गार्डनिंग 101 सेगमेंट ऑफ अम्लान पार्क। सबसे जरूरी चीज है अपने एरिया को सबसे पहले पहचाने। इंडिया को मेनली हम तीन पार्ट्स में बांट सकते हैं। सदर्न इंडिया में जहां बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं होगा टेम्परेचर में, एक सेंट्रल इंडिया होगा जहां अच्छी खासी ठंड पड़ेगी, टेम्परेचर मिनिमम 6-8 डिग्री से लेकर के 24-25 डिग्री तक जाएगा। एक होगा अपर नॉर्दर्न बेल्ट जहां बहुत ज्यादा ठंड पड़ेगी, पाला पड़ेगा और अपर एरिया में स्नोफॉल भी हो जाएगा। तीनों इलाकों का ट्रीटमेंट थोड़ा थोड़ा सा फर्क होगा। मैं सेंट्रल इंडिया के हिसाब से बात करती हूँ, ये एक जनरलाइज चीज है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में हैं थोड़ा ज्यादा प्रिकॉशन रखिए, अगर आप सदर्न इंडिया में हैं तो इसी चीज को थोड़ा सा हल्का कर दीजिए। अब सबसे पहले बात करते हैं हमें क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो हमें करना चाहिए वो है कि आप अपनी वाटरिंग को रेगुलेट करेंगे। रेगुलेट योर वाटरिंग, ये हमारा पहला काम होगा। सर्दी में एक तो गर्माहट थोड़ी कम है, इसीलिए बहुत ज्यादा पानी पौधा नहीं मांगेगा। दूसरा, कई पौधे इस समय डोरमेंसी में होंगे, उनकी भी वाटर रिक्वायरमेंट्स बहुत कम हो जाती है। तो थंब रूल ये होगा कि जब तक अपर सॉइल 1-2 इंच सूखी नहीं दिखती है, आप पानी नहीं देंगे, चाहे आप कहीं भी रहते हैं, साउथ इंडिया में, सेंट्रल इंडिया में, नॉर्थ इंडिया में, कहीं भी रहते हैं। जब तक आपको 1.5-2 इंच की मिट्टी सूखी नहीं दिखती है, हमें पानी नहीं देना है, नंबर वन। दूसरी बात होती है सनलाइट की रिक्वायरमेंट का हमें ख्याल रखना है। जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, फ्रूटिंग प्लांट्स हैं, उन सबको मैक्सिमम धूप की तरफ शिफ्ट कर दीजिए। हर प्लांट को धूप की रिक्वायरमेंट होती ही है, इसीलिए अगर घर के अंदर ज्यादा अंधेरा है तो ब्राइट लाइट एटलीस्ट पौधों को मिल जाएगी तो भी पौधे अच्छे से जी जाएंगे। बहुत लंबे समय तक अंधेरे एरिया में इस समय अगर पौधे रहेंगे तो उनके रूट्स के गलने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं और फोटोसिंथेसिस भी नहीं होता। खाना नहीं खाएंगे तो हट्टे कट्टे कैसे बनेंगे, इसलिए थोड़ी बहुत धूप की तरफ, नहीं तो भी एटलीस्ट ब्राइट लाइट की तरफ पौधों को जरूर रखिए। तीसरी जरूरी चीज जो हमें करनी है वो है फ्रीक्वेंट गुड़ाई। कम से कम वीक में एक बार गुड़ाई करना बहुत जरूरी है। गुड़ाई का मकसद ये होता है कि मिट्टी में एरेशन हो जाता है, थोड़ी हवा चलती है तो रूट्स जरा अच्छे से सांस ले पाती हैं। इसीलिए गुड़ाई करते रहना भी बहुत जरूरी है। एक नियम बांध लीजिए, एवरी संडे गुड़ाई करनी है तो बस हर संडे को गुड़ाई करनी ही है। कई जगहों की मिट्टी बहुत अगर लाइट बना रखी है आपने तो हाथ से ही इस तरीके से हिला देंगे ऊपरी मिट्टी को तो वो गुड़ाई ही हो जाती है। अगर मिट्टी आपकी थोड़ी बहुत भी हार्ड है तो फिर अच्छी तरीके से खुरपी से गुड़ाई करके एरेशन प्रोवाइड कर दीजिए। सर्दियों में जो एक और प्रिकॉशन लेना होता है वो है फंगस से पौधों को बचाना। इस समय फंगस बहुत ज्यादा लगती है तो प्रिकॉशनरी अपने पौधों को हर 15 दिन में नीम ऑयल स्प्रे करते रहेंगे तो फंगस का, इंसेक्ट्स का, इन सब के अटैक से हमारे पौधे बचे रहेंगे। तो ये प्रिकॉशन भी हमें लेना है। और आखिरी पॉइंट, हमारे पौधों की ग्रूमिंग। इस समय पतझड़ का टाइम भी चल रहा है तो कई बार आपको पत्तियां पीली होती दिखाई देंगी, चिंता मत कीजिए। कई दफा कमेंट्स में ये भी सवाल मुझे पढ़ने में आ रहा है कि कुछ पत्तियां पीली पड़ रही हैं, क्या हो गया पौधे को। ये पतझड़ का टाइम है, कुछ पत्तियां पीली होके गिरती हैं, नॉर्मल है। वेदर जब एकदम चेंज होता है, क्लाइमेट में, टेम्परेचर में जब एकदम फर्क आता है तो कई पौधे अपनी पत्तियों को झाड़ देते हैं। कोई बात नहीं, उन्हें अपना काम करने दीजिए, आप तो बस उनका ख्याल रखिए, वो अच्छे से रह जाएंगे। पीली जो पत्तियां हैं उन्हें हटा दीजिए, सूखी डंडियां हैं उन्हें काट दीजिए। पौधे को जब भी पानी दें ऊपर से पाइप से दें ताकि पत्तियां भी धुल जाएं। तब धुलेंगी तो उसके ऊपर की मिट्टी हटेगी और वो अच्छे से सांस ले पाएंगे। तो पौधों को अच्छे से सांस लेने दीजिए, जड़ों को गुड़ाई करके अच्छे से जड़ों को सांस लेने दीजिए। क्या मजा ले, पौधे खराब होंगे। ये तो हो गई क्या हमें करना है, अब हम चलते हैं हमें क्या नहीं करना है। नहीं करने में सबसे पहला पॉइंट, ओवर वाटरिंग नहीं करनी है। गीला दिख रहा है फिर भी मन करता है पानी दे ही देते हैं, हमें प्यास लग रही है इसे भी लग रही होगी दे ही देते हैं, नहीं। ओवर वाटरिंग से पौधा खराब होगा, रूट्स में फंगस लगेगी, रूट रॉट होके पौधा मर जाएगा, इसीलिए नो नो टू ओवर वाटरिंग। दूसरी बात, इस समय कई दफा आपको पौधे डल से नजर आएंगे तो आप कहीं कहीं से सर्च करते हैं फिर सोचते हैं हम इसे ये खिला दें, वो खिला दें, ये गोली दे दें, नहीं। इस समय पौधे सो रहे हैं,
या जिनमें फ्लावरिंग हो रही है उनमें भी फर्टिलाइजर उस समय नहीं देना चाहिए जब फ्लावरिंग हो रही है, इसीलिए ओवर फर्टिलाइज ना करें। जो नियम के साथ फर्टिलाइजेशन है वो आप कुछ कर चुके हैं अक्टूबर नवंबर में, बीच बीच में कभी लिक्विड मैन्योर दे देंगे काफी है, बार बार कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ मत देते रहिए, ओवर फर्टिलाइजेशन से पौधे खराब हो जाते हैं। इसीलिए जैसे हमें बदहजमी हो जाती है पौधों को भी बदहजमी हो जाएगी, इसीलिए बहुत ज्यादा खाना न खिलाएं उन्हें, जितना पानी चाहिए बस उतना ही पिलाते रहें। एक और काम जो हमें नहीं करना है वो है कि हमें रीपॉटिंग नहीं करनी चाहिए। कमेंट्स में कई दफा मुझे सुनाई देता है कि मैंने रीपॉट किया पौधा डल लग रहा है, क्या मैं दोबारा रीपॉट कर दूं? सबका एक ही जवाब है, नंबर वन, किसी भी मौसम में हमें बार बार रीपॉटिंग नहीं करनी चाहिए, जड़ें बार बार डिस्टर्ब हो जाती है। नंबर टू, सर्दियों में तो बिल्कुल ही नहीं करनी चाहिए। तो आपका ये चैप्टर बिल्कुल क्लोज हो जाता है कि रीपॉटिंग हमें करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि सर्दियों में हमें रीपॉटिंग करनी ही नहीं है। एक और चीज है कि हार्ड प्रूनिंग भी नहीं करनी है। सॉफ्ट प्रूनिंग कर सकते हैं, मतलब कोई पौधे की टिप्स अगर ज्यादा बढ़ रही है, नीचे से खाली होता जा रहा है, तो सॉफ्ट प्रूनिंग कर दीजिए, ऊपर ऊपर की कुछ टिप्स काट लीजिए। और सीजनल फ्लावर्स में तो हमें पिंचिंग भी करनी होती है, सॉफ्ट प्रूनिंग भी करनी होती है, कर सकते हैं, लेकिन हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल नहीं। सो नो रिपोर्टिंग, नो हार्ड प्रूनिंग, अच्छे से सनलाइट दीजिए, पौधों को खुली हवा धूप दीजिए और उन्हें खुश रहने दीजिए। अब हम चलते हैं वीडियो के दूसरे एस्पेक्ट पर, हमें किन किन प्लांट्स के साथ क्या क्या करना चाहिए। एक बहुत ही जनरलाइज्ड आइडिया देती हूँ, जितने भी सकलेंट्स हैं जिनमें अडेनियम, जेड, मॉस रोज और जो छोटे छोटे सभी सकलेंट्स होते हैं, इन सभी सकलेंट्स को कम से कम 4-6 घंटे की धूप अगर मिलती है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं मिलती है, ब्राइट लाइट है, बैल्कनी धूप नहीं आती, कोई बात नहीं, जहां तेज रोशनी आती है, ब्राइट लाइट है, उधर ही रख दीजिए, वहां भी सकलेंट्स बहुत अच्छे से जी जाएंगे। पानी फिर से नहीं कम देना है, सकलेंट्स को पानी की ज्यादा जरूरत नहीं होगी सर्दियों में, इसे पानी कम दीजिए और धूप में रखिए, इस किस्म के सभी सकलेंट्स अच्छे से चल जाएंगे। स्पेशली अडेनियम को बहुत संभाल के रखिएगा, अडेनियम बिल्कुल डोरमेंसी में है, मॉस रोज डोरमेंसी में है, इन्हें बस जिंदा रहने लायक थोड़ा बहुत पानी दे दीजिए और इन्हें पड़े रहने दीजिए धूप में, ये सर्वाइव करते रहेंगे, फरवरी में बात करेंगे, तब तक के लिए इंतजार करते रहिए। अब बात करते हैं सीजनल फ्लावर्स की। सर्दियों में अनगिनत फूल आते हैं, कुछ मैंने अपने एक वीडियो में भी आपके साथ डिस्कस किए हैं, वो भी देख लीजिएगा। अब इतने सारे फूलों को हमें कहाँ रखना है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट चीज है। फूल मतलब धूप, धूप और फूल, इसका एक बिल्कुल अच्छा सा रिश्ता है। धूप है तो फूल है, नहीं है तो फूल नहीं है। इसीलिए जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, सीजनल प्लांट्स, उन सबको धूप की तरफ ले जाइए तो वो बहुत अच्छे से धूप में रहेंगे। अब चाहे वो गुलदाउदी हो, इसको शायद साउथ में सेवंती कहते हैं, कुछ एक सवाल सेवंती नाम से भी आया था तो मैंने सर्च किया, तो क्रिसेंथेमम, गुलदाउदी, सेवंती सब एक ही चीज है। जितने भी सर्दी के फूल हैं, पिटूनिया, साल्विया, एस्टर, हॉलीहॉक्स, रनन कलर्स, ये जितने भी फूल हैं, इन सबको बस धूप की तरफ रख दीजिए तो आपके पौधे बहुत अच्छी तरह चलते रहेंगे। तीसरी बात करते हैं हम कुछ बल्बस प्लांट्स की। जो बल्ब्स थे जिन्होंने अभी अभी फूल दिया, जैसे रेन लिली, वेराइटीज ऑफ लिली, फुटबॉल लिली, रजनीगंधा, ये सब आपको गर्मियों से लेके अब तक फूल देते आ रहे थे, अब इनका काम खत्म हो गया, सोने जा रहे हैं। आपके पास इनके लिए दो ऑप्शन है। नंबर वन, आप इनको इसी में रहने दीजिए, रजाई उड़ा दीजिए, मिट्टी में पड़े रहने दीजिए। उसका तरीका यह है कि ऊपर की पत्तियां काट दीजिए और मिट्टी के अंदर इन्हें पड़े रहने दीजिए, आराम से रजाई ओढ़ के सोने दीजिए, सीजन आएगा तो बात करेंगे। रजाई उड़ाने का मतलब ये मत समझ लीजिएगा कि सच में रजाई उड़नी है, मिट्टी की रजाई है हमारे पौधों के लिए, हमारे बल्ब्स मिट्टी ही उनकी रजाई है, सच की रजाई मत उड़ा के सुला दीजिएगा। दूसरा तरीका ये है, अगर आपको जमीन या गमला खाली करना है तो उसका तरीका ये है कि पत्तों के साथ इनके बल्ब्स निकाल लें और इन्हें कहीं भी गत्ते के डब्बे में, खुली जगह, हवा में, छाया में रख दीजिए। वापस इसे लगाएंगे मार्च में, तब फिर आपको ये वापस से फूल देने लग जाएंगे। जैसे ही सर्दी के फूल निकलेंगे वहीं आपके ये बल्ब्स लग जाएंगे। तो इस तरीके से अपने पौधों को सर्दियों में बचाते रहिए, और पौधों से रिलेटेड कोई भी इशू है तो लर्न विद अमलान साइन अप करके मेरे से कॉन्टेक्ट कर लीजिए, हम लोग मिलकर कुछ इशू सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। जुड़े रहिएगा अमलान बाग के साथ। हाँ, इस वीडियो को जरा लाइक कर दीजिए, थोड़ा शेयर भी कर दीजिए, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी वो तो प्लीज कर दीजिए, 1 लाख तक पहुंचने में बहुत दम लग रहा है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, नमस्कार।